दोस्तों इतने दिन इंतजार करने के बाद में आज वो गली सामने आ चुकी है कि खुलासा हो चुका है कि संजू सैमसन को क्यों नहीं टीम में बार बार मौका दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई के कप्तान शिखर धवन व भारतीय पूर्व क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, खुलासा कर दिया है कि क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से संजू सैमसन को मौके नहीं दिए जा रहे। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या है बड़ी वजह जिसकी वजह संजू को मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आप भी संजू सैमसन के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान संजू सैमसन को T20 व ODI की टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उससे पहले बहुत सारे फॉर्मेट खेले गए, लेकिन संजू सैमसन का अच्छा फॉर्म में होने की बदौलत भी संजू को मौके नहीं दिए गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मैच में T20 में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी यहां पर संजू को मौका नहीं दिया। और बात करते हैं यहां पर शिखर धवन की, जिन्होंने सिर्फ पहले मुकाबले में संजू को मौका दिया, जहां पर संजू सैमसन ने 36 रन भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे मुकाबले को में भी संजू को जगह नहीं दी गई। हालांकि मैच रद्द हो गया, लेकिन फिर भी जगह उनको नहीं मिली थी। और सेम मुकाबला आज तीसरा खेला गया, जिसमें भी संजू को मौका नहीं दिया गया। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी क्या बड़ी वजह है यहाँ पर। दोस्तों सबसे बड़ी वजह हार्दिक पांड्या ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, वही सेम चीज़ शिखर धवन ने भी बोल दी है कि यहाँ पर हमारा मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए जो कि ऋषभ पंत है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऋषभ पंत को बार बार मौके दिए जा रहे हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी जगह पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मेरे ऋषभ पंत को आराम दे करके संजू सैमसन को टीम में वापसी करनी चाहिए। सेम यही बात कप्तान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बात की पुष्टि करी कि मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट की वजह से मेरे ख्याल से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बाद में धोनी ने यह भी कहा है कि बार बार एक प्लेयर के पीछे पड़ जाने से अच्छा है नए और युवा बल्लेबाजों को थोड़ा सा मौका दिया जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऋषभ पंत युवा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये जरूर है कि आपको यहाँ पर मौका देना चाहिए साथ में संजू सैमसन को। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मुकाबले में जो भी कुछ टीम है उसमें संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्रिकेट की सारी अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।